हो सकता है आज बारिश हो क्योंकि सारे बादल बादल। तो यार मामा और भाई लोग गए हुए एक जगह और मैं और मुदस्सर घर पे हैं क्योंकि हफ्ता इतवार ऑफ थी और दो दिन का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो और कल का व्लॉग भी एडिट करना है यार, कल मैं घर आया था रात को, मैं सो गया था, काम कंप्लीट करता, नाश्ता वगैरह कर लिया, काम कंप्लीट करता उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। मैंने अमेजोन से मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया था तो ये ओपन करेंगे, तो उसके लिए चाहिए हमें कैमरा मैन, जो कैमरा पकड़ो मैं अनबॉक्सिंग करूँ। मुदस्सर कितना मंगवाया है? ने कोई 10,500। सबसे पहले हमें मिलता है कचरा। ये है किचन शीट्स, यहाँ पे पिक्चर होगी। अगर आप लोगों के शेल्फ वगैरह ख़राब हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है इसमें भी, और इसका इस तरह यूज़ होता है। ये फ्रिज बास्केट है, मतलब इस फ्रिज में स्पेस कम हो तो ये आप ऊपर हैंग कर सकते हो उसके साथ, तो एडजस्टेबल स्ट्रेचेबल बास्केट। अगर आपको भी ऑर्डर करना हो तो आप कॉन्टैक्ट भी नंबर डाल दूंगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा प्रैंक था यार। तो यार अभी पैकिंग करता हूँ, बेसमेंट में मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी है, सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है, तो पैकिंग करके फारिग होते हैं उसके बाद फिर जाते हैं बाहर घूम। वलीद को बुलाया और वो अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा। सॉरी भाई आज शाउट आउट दे दी, सॉरी सॉरी सर, सर एक शाउट आउट, कल आ जाना यार, आज शाउट आउट नहीं दे सकते हम, कल आना प्लीज सर, आ जाओ। तो घर का आ रहे हो, शाउट आउट तो दाव बताओ और बस शाउट आउट हो गया। अभी वलीद बिरयानी लाया, वो खाते भूख लगी हुई है, तो उसके बाद फिर व्लॉग स्टार्ट। खाली हाथ क्यों था? ये वाला सीन हमने रीटेक किया। टाइम और है 4:02। अभी हमारी पैकिंग कंप्लीट हुई, अपना काम से अभी फारिग हूँ, एडिटिंग वगैरह अभी स्टार्ट ही नहीं की कल वाले व्लॉग की, और इस व्लॉग की भी एडिटिंग आज ही कर रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं इंटरव्यू नहीं यार, अभी काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंटरव्यू पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। मौसम इतना ठंड है और आज हम बाइक पे ही जाएंगे, दोनों गाड़ियां नहीं है, ये गाड़ी ड्राइवर की है और अपनी गाड़ी नहीं है, उस वजह से बाइक पे ही जाना पड़ेगा। अच्छा अल्लाह करे बारिश ना हो रास्ते में, क्योंकि भूख लगी थी। शोरमा दोबारा ले रहे हो, दोबारा स्पाइसी बनवा रहे, सब्सक्राइबर और इंक्रीज कर दे वाला खुद ही, आइकन प्रेस कर दे जब भी नोटिफिकेशन आए तो। वाह टॉप पे जिम वाली वीडियो पर। वीडियोस कैसी लगी हैं? देखी तो नहीं अभी, नहीं देखी अभी तक, घर जाके देखे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने शोरमा खाया तो उसका काफी मजे का टेस्ट था, तो वो शोरमा जिसमें वलीद ने उसके बाद मिल्कशेक किया था, यासर शाह शोरमा, फौजी चेक पोस्ट बस आ गया है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वलीद प्लाजा के पास, आपके शोरमे वाला मिल जाएगा, काफी मजे का टेस्ट होता है। अब हमें फ्री शोरमा मिलेगा कि नहीं? दो मिलेंगे, 10% ऑफ है, मुबशर का नाम लेंगे जो भी मेरे नाम से आए, 100 का शोरमे 120 बोलेगा तो आपको 10% ऑफ मिलेगा 100 में। यार इसका फुल स्पाइसी शोरमा होता है, स्पेशल स्टेप भाई ने लिखे स्पाइसी ऊपर लिखे। घर पहुंच गए लेकिन मुदस्सर गए हुए नमाज के लिए और अभी हम बाहर वेट करेंगे, इसके पीछे हम मस्जिद गए, ये आया नहीं है। तो अभी यार गुस्सा दिला रहा है, तू गेट खोल यार, भूख लगी होगा। यार अभी मैं कल वाला व्लॉग एडिट करता हूँ, व्लॉग को फिर बाद में स्टार्ट करते हैं, व्लॉग देखते हैं कब तक एडिट होता है। तो रात को मैं व्लॉग एडिट किया था तो 12 बज गए थे और उसके बाद फिर मैं सो गया था, जाना पेशावर यूनिवर्सिटी था, एक छोटा सा काम है और गाड़ी यह रात को आ गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो इसको वॉश करते हैं और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ, एक छोटा सा काम है वो करके फिर वापस आता हूँ। गाड़ी हो गई वॉश, अब इसको सुखाते हैं, कल ड्राइवर लेकर गया था और ये पूरी जगह यार खराब कर दी है, ये भी फिक्स करवाना क्योंकि बहुत बुरी लग रही है यार, और टायर भी एक पंचर, और इसको फिर किसी और दिन फिक्स करेंगे क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा काम है, जाता हूँ पंचर पहले लगवाता हूँ, मैं वेट कर रहा था लाइट आ जाएगी लेकिन लाइट नहीं आ रही यार, कपड़े इस तरह नहीं थे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी किया, पंचर लग रहे हैं यार, पंचर भी लग गया, अब जाते हैं। मुनीब को मैंने पिक कर लिया और नुमान को भी अभी पिक कर रहे हैं, उसको हम नजर आए हुए वो हमें कह रहे कि मैंने तुम लोगों को देख लिया सीधा हो और खुद है नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा कहाँ पे खड़ा हो। अरे इधर जगह खराब है तो बस ये ड्राइविंग हो रही हमारी, मैंने खाली ब्रेक पे पाव रखा हुआ है, जैसे बच्चों को ड्राइविंग सिखाते तुम स्टेयरिंग पकड़ो, मैं बाकी कंट्रोल कर।
किया हमारा यूथ एम पी ए निकल इधर पूरी मुझे बना चला यार मैं यार हूँ या कॉलेज जिसको 100 इयर्स हो गए 100 से ज्यादा हो गए यार ज्यादा हो गए हां 1913 में बनी थी इस्लामिया कॉलेज के बारे में दो तीन लाइंस और आप कुछ और बोलना चाहते हैं कौन सी लाइंस बताऊं बता तुझे आपको पता होगा आप पढ़ नहीं नहीं मैं पढ़ रहा हूं मुझे पता है इस्लामिया कॉलेज बनाई किसने थी ये मैं तुझे बताता हूं ये एक ब्रिटिश उसको क्या कहते हैं कमिश्नर थे उस टाइम लंडी कोतल के कमिश्नर थे सर रोस कैपल जिनके नाम से यहां पे हॉल भी है कायद आजम ने भी ये विजिट की और ये एक वो इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें कायद आजम की उसे क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का भी कुछ हिस्सा है उसे क्या कहते हैं विरासत कहते हैं कुछ समथिंग ये एक पाकिस्तान में तीन इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये पेशावर में एक है ये उनमें से तीन में से एक है अभी हम जा रहे हैं चीफ बर्गर शाम हो गई है यहाँ पे हम आए थे एक मसले के लिए मसला हल कर लिया अभी हम जा रहे हैं चीफ लंच भी हमने नहीं किया तो लंच अभी जाके चीफ में करेंगे उसने रोज़ा खोलना आगे थे पिज्जा मंगवाए मीडियम पिज्जा और ये क्या नुमान मोंटी कार्लो ये पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुनीप भी पहली बार इसका रिव्यू भी देंगे तो पिज्जा खाते फिर ये पूरा हो जाएगा तीन बंदों का यार तुम सूर्य को सर पड़ो मंडी वालों के देखते हैं नारा भी मैं दोस्तों के साथ आया था और वो भाई भी पीछे आए हुए दोस्तों के साथ अनएक्सपेक्टेड था लंच हमने कर लिया था लंच मतलब हमने दोपहर को खाना नहीं खाया था तो शाम को हम आए इधर आए थे तो इस व्लॉग के इधर ही एंड करते हैं वीडियो को हाँ बस एंड करते हैं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और कमेंट में मेरा नाम भी लिखे अच्छा नाम है चुनावान यूथ पार्लियामेंट यूथ एंड ट्रेड मिनिस्टर यूथ एंड ट्रेड मिनिस्टर और आपका तारुफ मैं स्टूडेंट यार ये स्टूडेंट है और नाकाम ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल तब तक के लिए